जो प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक परिस्थिति चली है उस पर मुझे यही कहना है कि जो ये जो चंबा का प्रकरण हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। जितने कठोर शब्दों में इस प्रकरण की निंदा की जाए और ये लोगों की मनों को आहत पहुंचाने वाला, दिलों को आहत पहुंचाने वाला है। प्रदेश सरकार इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है जब देव संस्कृति से परिपूर्ण इस शांत प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाता है। जैसा कि सभी बुद्धिजीवी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आवेश में आकर उस घर को नहीं जलाया जाता तो जो संदेह जताया जा रहा है कि उस परिवार के कोई संदिग्ध संबंध थे तो उसके सबूत भी वहाँ से मिल सकते थे। हम खुद ही उन सबूतों को मिटाने का काम कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ढील नहीं बरती जा रही है। जहां तक घटनास्थल पर जाने का सवाल है तो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी को खुद प्रशासन ने कहा कि धारा 144 लगी है, अगर आप नियंत्रित होके एक एक करके वहां जाना चाहते हैं, आप बड़े नेता वहां जाना चाहते हैं तो उनको जाने दिया जाना चाहता, लेकिन उन्होंने इस बात का भी राजनीतिकरण किया, सभा स्थल वहां अरेंज करके राजनीतिक मुद्दा बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता इस सारी वाक्य को बड़ी नज़दीकी से देख रही है। और ठाकुर जयराम जी क्योंकि हमारे मंडी जिला से हैं, उनको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि हम उनको भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा के नेता मानते हैं और जब से राजीव बिंदल प्रदेशाध्यक्ष बने हैं तो वो तो इन बातों के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसी बातें करने के लिए। लेकिन जयराम जी आप अपना आचरण वैसा ही शालीन रखें जिस तरह से हिमाचल के लोग आपको जानते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिंदल जी के साथ प्रतियोगिता करने में जयराम जी भी कुछ आगे निकल रहे हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि प्रदेश सरकार अपना पूरा काम कर रही है और अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें केंद्र सरकार की दखलंदाजी से या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की मदद से इसमें और कोई गहन जांच हो सकती है, तो उन्हें केंद्र में अपनी सरकार से बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उस बात का भी स्वागत किया है।